कि भोले शंकर तो खैर सबके फेवरेट है, अभी तो उन्हीं का दिन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। कल मैं आप लोग को बताई थी कि मैं अपने गृह प्रवेश का गिफ्ट दिखाऊंगी, तो मैं रेडी हो गई हूँ आप लोग से मिलने के लिए और बातें करने के लिए। मैंने सारा काम अपना कर दिया है, नाश्ता और खाना दोनों हो गया है। अब शाम के 4 बज रहे हैं, इसीलिए सोची आपसे थोड़ा बात कर लूँ। आइए मेरे गृह प्रवेश का गिफ्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ गणेश जी से। ये देखिए, सबसे पहला गिफ्ट यही मिला था गृह प्रवेश के दिन, मेरे गणेश जी। ये सबसे पहले सबके घर में आते हैं। ये देखिए दूसरा गिफ्ट है, ये है राम जी का। ये देखिए, और ये है राधे कृष्ण की मूर्ति, ये भी मिला है हमको। ये देखिए, एक और गिफ्ट है, ये है शंकर जी और माता पार्वती की। ये मेरे सबसे फेवरेट है, क्योंकि भोले शंकर तो खैर सबके फेवरेट है, अभी तो उन्हीं का दिन भी चल रहा है, तो ये भी मुझे गिफ्ट मिला है। पैसे तो मिले थे, लेकिन वो तो हर किसी के पैसे खर्च हो जाते, उनकी तो कोई गिनती रहती नहीं है। लेकिन जो गिफ्ट दीजिए वो यादगार भी रहते हैं, और ये भी रहता है कि ये आदमी ने हमको ये चीज़ दिया है, हमेशा याद रहता है। आप लोग भी बताइएगा कि मेरा गिफ्ट आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे तो सबको पसंद ही है, क्योंकि सारे भगवान की मूर्ति है तो सबको पसंद आएगा। यही हमको गिफ्ट मिला था, एक दो और मिला है, लेकिन वो हम अपने नए घर में ही छोड़ के आए हैं। वो भी गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति मिली थी, तो मैं वही छोड़ आई। यही छोटे से गणेश जी के, उनको लेकर आई अपने साथ यहाँ पर। बातें तो बहुत हो गई, अब चलिए शाम के पेट पूजा की तरफ। सोचा थोड़ा मैगी ही बना लूँ, शाम हो गया है, नाश्ते का समय हो गया है। मैगी में मैं ऊपर से ही नमक और हल्का मसाला डालती हूँ, क्योंकि मैगी में अब वो टेस्ट नहीं रहा जो पहले रहता था, इसलिए एक्स्ट्रा ये सब डालना पड़ता है टेस्ट के लिए, तभी मैगी अच्छी बनती है। मैगी तैयार हो गया है, मैं सबके लिए निकाल देती हूँ। आनी के लिए थोड़ा ज़्यादा ही निकालती हूँ, क्योंकि वो मैगी के साथ मैंने चाय भी बना लिया है। मैगी के बाद हम एक कप चाय पी लेंगे, और मेरा जल्दी से रात का खाना भी तैयार कर दी हूँ। सब्जी है आलू और केले की, मैं सब्जी बना रही हूँ, उसमें थोड़े से खड़े मसाला भी डालती हूँ, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, ये सब शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे मसाला तो कम खाना चाहिए, लेकिन अगर खड़े मसाले हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और मुझे तेल भी बहुत कम डालना पड़ता है सब्ज़ी में, क्योंकि तेल मेरे हस्बैंड को नहीं खाना है, और इसे सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी जलने भी लगती है, तो इसलिए मुझे इसका भी ध्यान रखना है कि सब्ज़ी जले नहीं कम तेल की वजह से। मुझे इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, कम तेल में ही अच्छी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तेल भी कम डालिए, ऊपर से सब्ज़ी अच्छी नहीं हुई तो उस पर डांट भी खाइए,
कि तुम अच्छी नहीं बनाती हो, और साथ में मैं थोड़ा रात में, क्योंकि मुझे केले और आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो मैं साथ में खीर भी बना ले रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ कितना खीर बनाती हूँ, नहीं मैं हाँ लेकिन सप्ताह में 2-3 दिन बना लेती हूँ, क्योंकि खीर पसंद है मुझे। रोज़ रोज़ मुझे सब्ज़ी रोटी खाना नहीं पसंद है। अब खीर भी रेडी हो गया, सब्ज़ी भी अब होने ही वाली है, तो साथ में आटा भी गूँथ ली ताकि जल्दी से किचन से छुटकारा मिल जाए। आकू अनी का झगड़ा देखिए, दोनों आई है मेरे पास शिकायत करने के लिए। आकू पढ़ना चाहती है, अनी पढ़ने नहीं देना चाहती, हमेशा दोनों झगड़ा करती रहती है कोई ना कोई चीज़ लेके। खीर मेरा रेडी हो गया है, फिर मैं बाद में चीनी डालती हूँ। मैं साथ में रोटी भी बना ले रही हूँ। आज मेरी रोटी कुछ फूल नहीं रही थी, क्योंकि मैं तवा बहुत ज़्यादा हीट कर दी थी। ये रोटी नहीं फूली, लेकिन बाद में फिर अच्छी फूलने लगी। मेरा खाना तैयार हो गया है, सब्जी खीर और रोटी मैंने निकाल दिया है, अब सब लोग खाएंगे। आप लोग भी आइए मेरे साथ खाने के लिए।